शुभम फर्नीचर मेन रोड गढ़वा, वर्कशॉप चिनिया रोड गढ़वा, दीवान पलंग सोफा सेट आदि के लिए संपर्क करें। चचेरिया स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र केसरी ने प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने झाविमो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय को 6 मार्च को बकायदा आदेश जारी करने की प्रक्रिया को मान्यता दे दी है। मान्यता देने के लिए आयोग का आभार व्यक्त करते हुए रामचंद्र केसरी ने बाबूलाल मरांडी एवं भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश के नेताओं तथा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए खुशी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने बाबूलाल मरांडी से भयभीत होकर विरोधी दल के नेता के रूप में अभी तक मान्यता दिलाकर लोकतंत्र की कुर्सी को पक्षपातपूर्ण बनाने का काम किया है। साथ साथ नए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी पहली बार इस कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें विवादित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की जीत होती है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी एवं ईमानदार एवं लोकप्रिय नेता है तथा आम के प्यारे हैं। वहीं पर भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दिल में बसे हैं। 17 फरवरी को अपने साथियों तथा लाखों कार्यकर्ताओं सहित भारत के गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर के समक्ष भाजपा में शामिल हुए तथा 24 फरवरी को सर्वसम्मति से भाजपा के सभी विधायकों ने विधायक दल का नेता चुना है तथा झारखंड के नेताओं का एवं कार्यकर्ताओं का जो स्नेह एवं प्यार बाबूलाल जी को मिल रहा है वह प्रशंसनीय है। रविंद्रनाथ ने विधायक दल के नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को तथा सभी विधायकों को जिस दिन विधानसभा शुरू हुआ उसी दिन से परेशान किया जा रहा है। सरकार के दबाव में आकर उक्त मामले को लेकर अभी तक फैसला कर 10वीं अनुसूची की बात की जा रही है, जबकि झाइयों का भाजपा में विलय कर किसी ने आपत्ति नहीं की तो फिर इस मामले को अभी तक लटका कर रखने की औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह भी सदन नहीं चलने दिया जिससे सरकार का करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रेस वार्ता में सीताराम जायसवाल, सलीम अंसारी, अश्विनी कुमार, प्रेमचंद्र, सुब्रात्री खान, नंदकिशोर चंद्रवंशी, राहुल कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज का प्रेस वार्ता के बारे में यही है। भारत चुनाव आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा और भाजपा के साथ विलय के प्रस्ताव को उन्होंने मान्यता प्रदान कर दिया है। इसके लिए भारत चुनाव आयोग को हम लोग आभार प्रकट करते हुए बाबूलाल मरांडी जी को तथा भाजपा के केंद्रीय और राज्य के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जो वर्तमान में है, इस सरकार ने जानबूझ करके विधानसभा के अध्यक्ष को यह काम करने नहीं दिया, मान्यता नहीं देने दिया, जिसका विधानसभा अध्यक्ष ने भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का काम किया है। इसे मैं समझता हूँ। अब मैं मांग करता हूँ विधानसभा अध्यक्ष के अभिलंब कोई देर न करें, सोमवार का 12 तारीख को आसरा न देखें, मान्यता देने का काम करें जिसे अखबार में छपे, सारे लोग पढ़ लें कि आपने जो भूल किया है उसका पश्चाताप उनको करना चाहिए। मेरा ये कहना है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत होती है। बाबूलाल मरांडी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरे प्रदेश की जनता उनको प्यार करती है, उनके प्रति विश्वास रखती है। वहीं पर जो भाजपा के केंद्रीय नेता हैं उन लोगों के दिल में बाबूलाल मरांडी जी बसे हुए हैं। मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, झारखंड की अपने पार्टी के लोगों से, भाजपा के लोगों से, कि सभी लोग मान और सम्मान के साथ आप बाबूलाल के नेतृत्व में जो विश्वास किया है उस विश्वास में बाबूलाल मरांडी खड़े उतरेंगे। यही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।